अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा की खिदमत आलिया में हाजिर होने का शर्फ़ हासिल करूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का अनुमान है कि एक ऐसी तावीज़ जिसको अगर दुकान में लटकाओगे तो कस्टमर की भीड़ ही भीड़ आएगी। लेकिन इससे पहले कि सब के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ हासिल गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारे तरफ से किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर होना जादू से भी बल्कि मैजिक शैतानी गंदी हरकतों के जरिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देता। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, अमल की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, अमल से आशनाई पैदा करना चाहते हैं, तो हमारे क्लासेज ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप शिरकत फरमा करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुकान में, आपके कारोबार में बरकत ही बरकत हो, उतनी बरकत हो कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा आपकी दुकान में बरकत हो, खैर बरकत हो, हर तरीके से आपकी दुकान में जो है कस्टमर ही कस्टमर हो, ठीक है ना, और दुश्मन आपका जलता रहे, दुश्मन आपका कुछ भी ना कर पाए, तो उसके लिए इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करना क्या, सबसे पहले तो पाक साफ हो जाएं, रुबा तुबा बढ़ जाएं, ख़ुद अपने हाथों से तावीज़ को बनाएं। पहले लिखेंगे 786, फिर उसके बाद लिखेंगे आप जो है एक, फिर उसके बाद ऐन, फिर स्वाद, फिर स्वाद, फिर 11, फिर 8, ठीक है ना। उस तरीके से तावीज़ को मुकम्मल कर लें। जब तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो इससे जो है अपनी दुकान में लटकाएं, लटकाने से पहले सदका निकाल दें इतना कि एक फ़कीर एक टाइम का खाना खा लें, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह आपकी दुकान में बरकत ही बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कस्टमर ही कस्टमर होंगे, आपका अगला और अगल बगल के जो दुकानदार हैं वो हैरत में पड़ जाएंगे, इतनी बरकत कहाँ से हुई, ठीक है। इसका इस्तेमाल करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Thank you.